30 मई दिन मंगलवार को देश भर में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक रोजा मेडिकल दुकानें बंद करके भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, क्योंकि 1 जुलाई से केंद्र सरकार GST बिल करने जा रही है, जिसके विरोध में यह सब किया जा रहा है। और उधर एसोसिएशन के प्रधान विमल कुमार ने बताया कि जब से पंजाब में कांग्रेस सरकार आई है, तब से अब तक मेडिकल दुकानों पर छापेमारी कर हमें न्याय तंग परेशान किया जा रहा है। और इस सब को लेकर मेडिकल एसोसिएशन दंतान के साथ विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने मीटिंग की और एसोसिएशन को इस बात का यकीन दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पंजाब सरकार हमेशा उनके साथ है। जी तरनतारन जिले दियाँ कैमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी एक मुश्किलों के बारे जानू कराया वा और सारिया बहुत सारिया मुश्किल जड़िया ने बिल्कुल जायज आ और मैं इन्हों विश्वास दवाना वा भी आने वाले समय के जड़िया डिस्ट्रिक्ट लैवल दुश्किल ने पुलिस का खास करके रोल हैगा वा वो SSP साहब जो मिल के वो हल कराया जाऊगा और जड़िया स्टेट लैवल दे ब्रह्महिंद्रा जे कि हेल्थ मिनिस्टर ने और बहुत सुधरे हुए बंदे ने और उन्होंने नाल मैं नेक्स्ट वीक जाके मीटिंग करा के और उन्होंने सारी जे जिले दुश्किल ने वो बारे जानते नहीं। देखो डॉक्टर जी जे कैमिस्ट साढ़े भरा ने वो डरे हुए ने क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड उन्होंने रखना पैंता, बहुत सारिया दवाइया का जोड़ा वा वो बिल रखने पे जे कि कई दफा उन्होंने पिछले भी नहीं मिलते, इस करके जिन्ने चिर तक कोई रूल एंड रेगुलेशन इसी तरह नहीं बनते मुश्किल आएंगी जरूर, पर मैं उम्मीद है कि पंजाब सरकार जल्दी हल करेगी। जागृति लहर के लिए तरनतारन से विजय अरोड़ा की रिपोर्ट।